हेलो स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ में रियल नंबर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। जो बच्चे नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज़ पार्ट नंबर 1 से देखें। जाइए चैनल पे प्लेलिस्ट में और रियल नंबर एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट में आपको एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करिए, पार्ट 1 से देखिए। ठीक है, चलिए अब हम सब बच्चे एनसीईआरटी बुक खोल लें। अब हम करेंगे पेज नंबर 11 पर। टॉपिक है हमारा रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। ओके, रीविजिटिंग इरेशनल नंबर्स में देखिए एनसीईआरटी ने क्या बताया है। बोला इन्होंने कि क्लास 9th में आपने रैशनल इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली थी। ओके, और आपको पता था रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को अगर हम मिक्स कर दें तो रियल नंबर का सेट बन जाता है। ठीक है ना, बट वहाँ पर हमने इरेशनल नंबर्स को प्रूफ नहीं किया था। ठीक है, और क्लास 9th में हमने एक चीज़ और देखी थी, उसको देखिए ज़रा। जैसे आपके पास अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर आपको प्राइम नंबर मिल जाता है, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर आपको 2 मिल गया, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर आपको 3 मिल गया, जब भी स्क्वायर रूट के अंदर आपको प्राइम नंबर मिल जाता है, ठीक है, ये देखिए स्क्वायर रूट के अंदर आपको जब भी प्राइम नंबर मिल जाता है, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते थे, जिनको हम किस फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, इरेशनल नंबर वो नंबर होते थे जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते थे, वो इरेशनल नंबर होते थे। और रैशनल नंबर कौन होते थे, जिनको हम पी बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते थे। तो ये थोड़ा सा रिवीजन इन्होंने हमें कराया है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बोलें आपसे, तो जनरली स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई पी आए, मतलब कोई भी पी का मतलब कोई पी क्या है, यहाँ पर प्राइम नंबर है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी आपको अगर प्राइम नंबर मिले, ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। हमेशा क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। तो इस सेक्शन में हमको यही प्रूफ करना है कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी अगर आपको क्या मिले, प्राइम नंबर मिले, तो वो हमेशा हमेशा क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, चलिए इसके लिए हम एनसीईआरटी पेज नंबर 12 सभी बच्चे खोल लें। एक थ्योरम दी हुई है 1.3, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे क्योंकि इसके प्रूफ में देखिए स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ बुक में, नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसका प्रूफ हम नहीं करेंगे, बट इसको आपको लर्न करना है और इसको आपको ध्यान करना है अच्छी तरीके से, बिकॉज ये जो थ्योरम 1.3 है, इसी की हेल्प से हम इरेशनल नंबर्स को प्रूफ करेंगे कि रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। चलिए देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं लेट पी बी अ प्राइम नंबर, पी कोई प्राइम नंबर है। चलो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि कोई प्राइम नंबर ले लो आप अपने आप, ठीक है, चलो क्या बताओगे, 5 ले लें। ठीक है, देखिए पी कोई प्राइम नंबर है, पी मैंने कितना लिया, 5 ले लिया। ठीक, ये मैं एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा रहा हूँ ताकि ये थ्योरम आपको समझ में आ जाए। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है ना, समझिए ज़रा बात को। सपोज ध्यान से चेक करिए, मैंने ए कोई भी नंबर लेना है मुझे, ए ले लिया मैंने सपोज 25, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा, वेट करो। ए मैंने 25 ले लिया, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए लेफ्ट में स्क्वायर किया, राइट में भी स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625, ठीक है ना। तो अब वो क्या बोल रहा है, इफ़ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, चेक करो क्या पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, आइए जरा चेक करें क्या ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है, आइए चेक करें, ए स्क्वायर कितना है, 625, और पी कितना है, 5, क्या ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, चेक करो जरा, बिल्कुल करता है। देखिए 5 1 5 यहाँ बन जाएगा, 5 2 10 यहाँ 2 जाएगा, 5 5 25। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो दिस इम्प्लाइज पक्का पी ए को भी डिवाइड करेगा। आगे पढ़िए, देन पी डिवाइड्स ए को, ओके, व्हेन ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर, जब ए क्या हो, एक पॉजिटिव इंटीजर हो। तो चेक करो, ए एक पॉजिटिव इंटीजर ही था, ए मैंने कितना लिया था, 25, ठीक, और ए का स्क्वायर कितना था, 625, तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी ए को भी करेगा, ये पक्का है। ठीक है, चेक कर लीजिए, देखिए ए स्क्वायर को पी ने डिवाइड किया, ठीक है ना, तो पी, तो ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो पी ए को भी करेगा। आप चेक कर लो, ए कितना आपका, 25, ए कितना आपका, 25, ओके, तो देखिए इस 25 को पी ने डिवाइड किया, ठीक है, चेक कर लीजिए, 5 5 25। आइए और एग्जांपल लेते हैं,
पी कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर ले लीजिए, मान लीजिए आपने पी इज इक्वल्स टू 3 लिया, इस बार कितना लिया आपने, पी इज इक्वल्स टू 3 लिया, ठीक है। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करे, ठीक है, सपोज ए है आपके पास इस बार लेट अस से 9, तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 9 81, ठीक है। तो अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पी ए को भी डिवाइड करेगा। चेक करो, यहाँ पर ए स्क्वायर को पी डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर कितना है 81, और उसको पी डिवाइड कर रहा है। चेक करो, 81 को 3 एग्जैक्टली डिवाइड कर देता है, 27 आता है, तो पक्का जो पी होगा, पक्का जो पी होगा वो ए को भी करेगा, ठीक है। चेक कर लो, ए कितना है 9 और पी कितना है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा, आपको देखना है पी कोई प्राइम नंबर है, वो अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर ए के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो पक्का पी उस पॉजिटिव इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं एक एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये फॉलो नहीं होती कंडीशन जो भी हमें पढ़ाई गई। मान लीजिए कि पी इज इक्वल्स टू हमने लिया कितना 3, ये एक प्राइम नंबर है। अब देखिए ए हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया 4, एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए का स्क्वायर जब हमने किया तो कितना आया 16 आया, ठीक है। अब चेक करो क्या पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, नहीं, चेक करो ना पी ए स्क्वायर को कहाँ डिवाइड करता है भाई, ए स्क्वायर को पी कहाँ डिवाइड करता है, ए स्क्वायर 16 है और पी कितना है 3 है, तो जब ए स्क्वायर को पी डिवाइड नहीं करता है तो पी ए को भी नहीं करेगा। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड नहीं करता है तो पी ए को भी डिवाइड नहीं करेगा। चेक कर लो, ए डिवाइडेड बाय पी अगर हम करें तब भी डिवाइड नहीं होगा, ए कितना है 4 है और पी कितना है 3 है। ओके स्टूडेंट्स, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। इस रूल का यूज़ करते हुए हम ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है, रूट टू इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपको पेज नंबर 12 एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कहता है प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल, इसको हम इरेशनल हमको प्रूफ करना है। देखिए इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, इस जो भी मेथड ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है रूट टू को इरेशनल प्रूफ करने के करने का, इस मेथड को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। देखिए कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमको प्रूफ करना होता है उसी का जस्ट उल्टा हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है रूट टू इज इरेशनल, तो हम क्या अज्यूम करके चलेंगे कि रूट टू रैशनल है, रूट टू रैशनल है, और जो हमने अज्यूम किया फिर उसी वो बात अपने आप गलत हो जाएगी, और हम बोलेंगे कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था, इसका मतलब रूट टू इरेशनल नंबर है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करते हैं, इन्होंने बोला है रूट टू इरेशनल प्रूफ करना है, तो आप इसका जस्ट अपोजिट अज्यूम करके चल लीजिए। मान लीजिए कि रूट टू रैशनल है, ठीक, आपने मान लिया रूट टू क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, फिर ये जो आपने माना है ना यही बात अपने आप गलत हो जाती है, तो इसका मतलब जो आपने माना था वो गलत था, इसका मतलब रूट टू रैशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल है। आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो जैसे जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वैसे ही लैंग्वेज आपको लिखनी है, इसका थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, थोड़ी इसमें थ्योरी लिखनी पड़ती है। जैसे कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी, लेट अस अज्यूम, अभी मैं समझाता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है, टू द कॉन्ट्रेरी, ठीक है, that root 2 is, that root 2 is rational, यही मैंने आपको बताया था कि पहला पॉइंट क्या होगा जो दिया, जो आपको प्रूफ करना है उसका जस्ट अपोजिट अज्यूम कर लो। इसका क्या मतलब है, लेट अस अज्यूम टू द कंट्रेरी, मतलब आइए हम एक कंट्रेरी मतलब अपोजिट, आइए हम अपोजिट अज्यूम करते हैं कि रूट टू, उन्होंने बोला था इरेशनल प्रूफ करो, हमने क्या अज्यूम करके चले, हम रूट टू रैशनल, उसका जस्ट अपोजिट अज्यूम करके चलना है, पहला स्टेप ये हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी किताब सभी बच्चों की खुली होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट ये कहते हैं, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस सच दैट, अच्छा भाई एक बात बताओ, अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था और क्लास 9th में हमको बताया गया था कि अगर कोई नंबर कैसा है, रैशनल है, तो भाई किसी रैशनल नंबर को अभी अभी तो आपने मान के चलो ना रूट टू रैशनल है, तो इसका मतलब रूट टू को आप कैसे लिख सकते हो, रूट टू को आप लिख सकते हो p बाय क्यू के फॉर्म में, या अब देखिए जरूरी नहीं कि p बाय क्यू लिखा जाए, a बाय बी लिख सकते हो, c बाय डी लिख सकते हो, ठीक है, r बाय s लिख सकते हो, एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं r बाय s, r बाय तो हम भी लिख लेते हैं, ठीक है, वेयर रूट टू इज इक्वल्स टू, रूट टू कैन बी रिटन एज r बाय s, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर को समथिंग अपॉन समथिंग के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर R और S क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, और S की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए,
तो रूट टू को अब हम क्या लिख सकते हैं, r अपॉन s, वेयर s इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। s जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं जीरो होना चाहिए भाई, अगर s जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, नीचे जीरो आ जाएगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए s जीरो नहीं होना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट हम यही लिखते हैं, देखिए अभी ये क्वेश्चन तो मैं आपको डिटेल में करा रहा हूँ, ठीक है, फिर एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा तो आपकी हैबिट हो जाएगी, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली वीडियो देखते रहिए, स्किप मत करिए। देखिए तो सेकंड पॉइंट जो एनसीईआरटी में लिखा है वो हम नोट कर लेते हैं, क्या लिखते हैं, लिखते हैं सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस, सो वी कैन फाइंड इंटीजर्स आर एंड एस सच दैट रूट टू इज इक्वल्स टू आर अपॉन एस वेयर एस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए, अब हम अपने मन में मान के चल रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे चेक करिए, मान लीजिए कि एक्स कोई नंबर है, ठीक है ना, और एक्स की वैल्यू जो है वो 16/32 ऐसे लिखा गया है, ठीक है, तो अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि देखिए 16 भी एक इंटीजर है, 32 भी एक इंटीजर है, ठीक है ना, तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्या भाई 16 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है और 32 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताइए, चेक करिए, क्या इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर हैं, ज़रूर कोई कॉमन फैक्टर है, 1 के अलावा कौन है, 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 4 से हो रहा है ना, तो 4 इसके कॉमन फैक्टर है, तो 4 से अगर मैं ऊपर भी डिवाइड लगा दूं, 4 से अगर मैं नीचे भी डिवाइड लगा दूं, तो चेक करो ऊपर आ जाएगा 4 4 16, नीचे आ जाएगा 4 8 32, ठीक है, या आप सीधे सीधे 16 से डिवाइड लगा सकते थे, ठीक है ना, तो 16 से ऊपर भी और 16 से नीचे भी डिवाइड लग जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा कितना 2, यानी कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो R और S लिखे हुए हैं, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है कि ये को प्राइम है। अब ये को प्राइम क्या होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए प्राइम तो सभी बच्चों को पता है, ऐसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हों और 1 से डिविजिबल हों, ठीक है, अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं, देखिए को प्राइम, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि को प्राइम नंबर्स जो होंगे वो कभी भी अकेले नंबर को प्राइम नंबर नहीं बोला जाता है, को प्राइम नंबर हमेशा हमेशा सेट में होते हैं, किस में होते हैं, हमेशा सेट में, यानी कि दो नंबर्स होंगे तभी आप को प्राइम की बात कर सकते हो। अब देखिए को प्राइम में ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो, ज़रूरी नहीं कि दोनों नंबर प्राइम हो, जैसे कि समझिए ज़रा, मान लीजिए कि हमने आपको सेट दिया 3 और 16 का, 3 और ये सेट हमने दिया, तो हमने आपसे पूछा ये को प्राइम नंबर का सेट है, तो जवाब है हाँ है, थोड़ा सा वेट करिए बता रहा हूँ, देखिए 3 तो एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 16 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन बात समझिए जरा, ये दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ये दोनों का आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो 3 को भी डिवाइड करता हो और 16 को भी डिवाइड करता हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि 4 और 16 क्या ये को प्राइम नंबर का सेट है, तो जवाब है नहीं, ये को प्राइम नंबर का सेट नहीं है, क्यों भाई, क्योंकि ध्यान से आप चेक करो कि देखिए इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, कौन है, 2 है, 2 इसको भी डिवाइड करता है, 2 इसको भी डिवाइड करता है, यानी कि को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होंगे, को प्राइम नंबर कभी भी अकेले नंबर की आप बात नहीं करोगे, को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होंगे, मतलब दो नंबर का वो सेट होगा या दो नंबर्स का वो पेयर होगा, ऐसे नंबर्स होंगे वो जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो 1 के अलावा। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 5 और 19, ठीक है, या 5 और लेट अस से ले लेते हैं हम लोग क्या 32, बताइए को प्राइम है, बिल्कुल है ये को प्राइम, क्यों को प्राइम है, को प्राइम का सेट क्यों, क्योंकि 5 और 32 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ओके, कोई भी ऐसा नंबर नहीं 1 के अलावा, 1 के अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो इन दोनों का करे डिवाइड करे, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख देता मान लो 5 अपॉन 32, तो आप क्या बोलते कि भाई 5 और 32 क्या है आपस में, को प्राइम है, और 5 और 32 के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इसी तरीके से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 32 अपॉन 5, तो इन दोनों को कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो आपको आपको समझ में आ गया कि कॉमन सॉरी को प्राइम नंबर के सेट कैसे होते हैं। तो समझिए जरा, जब आपने रूट टू को आर अपॉन एस के फॉर्म में लिखा और आपने बोला कि आर और एस क्या है, इंटीजर्स हैं, आर और एस क्या है, इंटीजर हैं, तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि आर और एस को प्राइम हो, ज़रूरी नहीं है कि आर और एस को प्राइम होते हैं, यहाँ पे मैं नोट लगा देता हूँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आर एंड एस आर को प्राइम, ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आर और एस क्या हो, को प्राइम हो, तो आइए इनको को प्राइम बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए अब इनको अगर हम को प्राइम बनाएंगे तो क्या करेंगे,
आर का जो कॉमन फैक्टर है और एफ एस का जो कॉमन फैक्टर है उससे हम न्यूमरेटर में भी डिवाइड लगाएंगे और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड लगाएंगे। इस बात को थोड़ा सा समझिए प्लीज। देखिए एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर, यही मैंने भी लिखा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट आर एंड एस आर को प्राइम, जरूरी नहीं है कि आर और एस को प्राइम हो। तो अगर जरूरी नहीं है कि आर और एस को प्राइम है तो इनका जो भी कॉमन फैक्टर होगा उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड लगाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मान लीजिए जैसे कि 27/9, ठीक ऐसा कुछ है। अब बताओ यहाँ तो आपको नंबर दिख रहे हैं तो समझ में आ रहा है, अब यहाँ आपको नंबर नहीं दिख रहे तो नहीं समझ में आ रहा है ना, बट यहाँ दिख रहे हैं यहाँ से समझो। जैसे 27/9 क्या ये को प्राइम है? नहीं है, क्यों? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर क्या है, इनका कॉमन फैक्टर है 3। तो आप क्या करोगे, इनको को प्राइम बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, कहाँ, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 से ऊपर और 3 से नीचे डिवाइड लगाओगे। ऊपर हो जाएगा 3 9 27 और नीचे क्या हो जाएगा, 3 3 जा। हालांकि ये फिर से कट रहा है, कोई ये बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, आप 9 से भी डिवाइड लगा सकते थे। यानी कि कहने की बात ये, देखिए 9 3 27 और नीचे आ जाएगा 1, ठीक है। कहने की बात ये है कि अगर इन दोनों के कोई कॉमन फैक्टर है, जैसे यहाँ 9 है, तो उस कॉमन फैक्टर से न्यूमरेटर में भी डिवाइड लगाएंगे और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तो नंबर थे समझ में आ रहा था, अब यहाँ नंबर नहीं है तो नहीं समझ में आ रहा। तो लेट अस अस्यूम कि वो कॉमन फैक्टर एफ है। क्या है वो, अब ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है इसलिए मैं आपको डिटेल में करके बता रहा हूँ, ठीक है। लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ आर एन एस बी एफ, माना कि आर और एस के कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर कौन है, एफ है। तो अगर आप R को F से भी डिवाइड लगा दो और S को भी F से डिवाइड लगा दो तो जो रिजल्ट आएगा वो आपस में को प्राइम होंगे। जैसे कि यहाँ पर ध्यान से चेक करिए, 3 और 1 का पेयर क्या हो गया, को प्राइम हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आप और अच्छा एग्जांपल ले सकते हो, 27/33, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 से आप न्यूमरेटर में भी डिवाइड लगाओगे, डिनोमिनेटर में, 3 9 27, नीचे आ जाएगा 11। 9 और 11 क्या है, को प्राइम है। अब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो आप इसी तरीके से क्या करोगे, जैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ओके। तो हमने मान लिया कि आर और एस का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर है और वो कॉमन फैक्टर कौन है, एफ है। यहाँ नोट भी करना चाहिए, लेट द कॉमन फैक्टर ऑफ आर एंड एस बी एफ अदर देन 1, अदर देन 1, 1 के अलावा आर और एस का कॉमन फैक्टर कौन है, एफ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम R और S को नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड लगा देंगे। देखिए तो रूट 2 इज इक्वल्स टू R अपॉन S था। अब देखिए हमने क्या किया, R को भी F से डिवाइड लगाया और S को भी F से डिवाइड लगाया। देखिए ये समझने की बात है भाई, ठीक है, रटना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा, एक दो क्वेश्चंस में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, फिर अच्छे से क्लियर होगा। इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो जरा, R अपॉन F, देखो जैसे यहाँ आपने 27/3 किया था तो क्या था, कोई नंबर आया था। इसी तरीके से जब आप R अपॉन F करोगे तो कोई नंबर आएगा, लेट अस से उस नंबर का नाम क्या है, A, जैसा कि NCERT में दिया है भाई, कोई तो नंबर आएगा ना, कोई तो इंटीजर आएगा, उस इंटीजर का नाम क्या है, A है। अब जैसा कि आपने यहाँ 33/3 किया था, कोई नंबर आया था, 11 आया था, वैसे ही S अपॉन F भी कोई नंबर आएगा, लेट अस से वो क्या है, B है। अब हम लोग कन्फर्म हो गए हैं क्या कि रूट 2 को, देखिए रूट 2 एक रैशनल नंबर आपने माना था, तो रूट 2 को हम लोग ने ए अपॉन, पहले हम लोग ने आर अपॉन एस के फॉर्म में लिखा था, लेकिन हम लोग कन्फ्यूज थे कि आर और एस का कोई कॉमन फैक्टर होगा, मतलब आर और एस आपस में को प्राइम नहीं थे, पहले आर और एस को आपस में को प्राइम करो। तो अब हमने आर और एस के जो कॉमन फैक्टर एफ था उससे हमने डिवाइड लगा दिया, हम श्योर हो गए कि रूट 2 को ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखा है और ए और बी क्या है, आपस में को प्राइम है, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, क्या लिख सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है, ए और बी क्या है, यहाँ पर को प्राइम है। अब देखिए अब आगे की डिटेलिंग स्टार्ट होती है, तो कहाँ करें, पहले इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए, और इस थ्योरम का हमको यूज होगा, ठीक है, तो इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसकी मैं हेल्प लूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे का स्टेप, ये थ्योरम मैंने रब कर दी, ठीक है, क्योंकि इसको अभी हमें देखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है। अब ध्यान से चेक करिए जरा, रूट टू इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, ए अपॉन बी। अब क्या करोगे आप, अब करोगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ध्यान से चेक करिए। सो
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये बी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी रूट टू इज इक्वल्स टू ए। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो बी रूट टू आपको ऊपर लिखना है, आप लिख दीजिए, इसके बाद आप लिखोगे स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी रूट टू इज इक्वल्स टू ए, देखिए लेफ्ट में भी स्क्वायर करोगे और राइट में भी करोगे। अब दिस इंप्लाइज ये स्क्वायर बी को भी मिलेगा और रूट टू को, बी को मिलेगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और टू को मिलेगा तो हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर। क्या होगा भाई, रूट टू का स्क्वायर क्या होता है, टू ही तो होता है। ये स्क्वायर रूट को क्या करेगा, हटा देगा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ आ जाएगा टू। अब आप टू को पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, बात क्या है सेम। तो ये हो गया टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, सही। अब ध्यान से चेक करिए, क्या मैं देखिए एनसीईआरटी में जब ये वाला स्टेप आ गया है, आप ध्यान से चेक करिए, लिखा है स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड रीअरेंजिंग वी गेट टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, देयर फोर टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ये अब इंपॉर्टेंट बात है, समझिए जरा। आपको क्या पढ़ाया गया था कि अगर p क्या है, कोई प्राइम नंबर है, और p अगर डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा कि p ऑल्सो डिवाइड्स a, p a को भी डिवाइड करेगा, वही बात हो रही है। ध्यान से चेक करिए जरा, अगर मैं इस 2 को इसके नीचे भेज दूं, समझो जरा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय 2। अब ध्यान से चेक करो, ये जो 2 आया है, ठीक है, ये जो 2 आया है ये ए स्क्वायर को पक्का डिवाइड कर रहा है। क्या सबूत है भाई, बात बताओ, बी क्या था, ए और बी क्या थे, को प्राइम थे, यानी कि ए और बी क्या थे, इंटीजर थे, ए और बी क्या थे, इंटीजर थे। अगर ए भी इंटीजर था, बी भी इंटीजर था, ठीक है, तो बी का स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा, बी का स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो देखिए ध्यान से चेक करिए जरा, ए स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड लगाया जा रहा है तो एक इंटीजर ही तो आ रहा है, डेसिमल में कुछ नहीं आ रहा है, एक इंटीजर ही तो आ रहा है, इस बात का आपको यहाँ ध्यान रखना है। तो अगर ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके एक इंटीजर आ रहा है, भाई सिंपल सी बात है, देखो यार ए और बी इंटीजर थे तो ए का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और ए के स्क्वायर को किसी नंबर 2 ने डिवाइड लगाया तो जो आंसर आया वो भी क्या आया, इंटीजर, तो समझते हो ना, -1, -2, -3 नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं, ठीक है, 1, 2, 3, 4 ये सब भी, यानी कि पॉइंट में नहीं आया, पॉइंट में नहीं आया आंसर, यानी कि इंटीजर आया, यानी कि ए स्क्वायर को 2 पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, ठीक है। अरे भाई ऐसे चेक करो ना यार, जैसे 16/2 क्या आता है, 8 आता है, ये इंटीजर है कि नहीं है, बताओ पॉजिटिव इंटीजर है कि नहीं है। तो वही चीज़ है, ए स्क्वायर को 2 ने डिवाइड किया तो एक पॉजिटिव इंटीजर यहाँ पर आया है, ठीक है ना, इसका मतलब ए स्क्वायर को 2 पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो अब हम क्या लिखेंगे, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा है, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर, पहले क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा आपको, देयरफॉर 2 डिवाइड्स, देयरफॉर 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब 2 किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को। अब ध्यान से चेक करो, यहाँ क्या उसने बोला था कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और p किसको डिवाइड करता है, a स्क्वायर को। तो ध्यान से देखो ये जो 2 है वो कैसा बिहेव कर रहा है, p जैसा, और p अब किसको डिवाइड कर रहा है बताइए, a स्क्वायर को, ये तो पक्का है। इसका मतलब p किसको डिवाइड करेगा, a को, यानी कि दिस इंप्लाइज, हम यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट इफ p इज अ प्राइम, ये वाला थ्योरम पूरा लिखोगे। अब आप इस स्टेप के बाद आप क्या लिखोगे, मैं लिख दे रहा हूँ थ्योरम लिखोगे, कौन सा, 1.3 लिखोगे, वी नो दैट इफ p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p विल ऑल्सो डिवाइड व्हाट ए, तो दिस इंप्लाइज p कौन है यहाँ, 2, 2 विल श्योरली डिवाइड, 2 विल श्योरली डिवाइड a। ध्यान से चेक करिए जरा, a 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता था तो 2 a को भी डिवाइड करेगा, पक्का हो गया। अब एक बात बताओ, अगर 2 a को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो a अपॉन 2 अगर हम करें, a अपॉन 2 अगर हम करें तो कोई इंटीजर ही तो आएगा भाई, चेक कर लो क्या, जैसे कि समझिए ना बात, यहाँ पे करता हूँ, मान लो 16 को 2 डिवाइड कर रहा था, 16 किसका स्क्वायर था, 4 का स्क्वायर था, इसको 2 डिवाइड कर रहा था, करता है कितना आता आंसर, 8 आता है, ठीक है, तो 2 4 को भी तो करेगा, और जब 2 4 को करेगा तो कोई इंटीजर ही तो आएगा यहाँ पर। तो वही मैं करने जा रहा हूँ कि 2 अगर a को डिवाइड करता है तो a अपॉन 2, मतलब a को जब 2 से डिवाइड करोगे तो कोई इंटीजर ही आएगा, तो लेट अस से कि वो इंटीजर क्या है, c, लेट अस से वो इंटीजर क्या है, c, पक्का। अब देखिए अभी अभी आपने प्रूफ क्या किया है, उसको बॉक्स में बंद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्या कि 2 ने किसको डिवाइड कर दिया, श्योरली a को। अगर हम किसी तरीके से ये भी दिखा दें, देखिए अभी अभी आपने क्या बोला था, a एंड b आर को प्राइम, यानी कि a और b के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन अभी अभी आपने 2 को फैक्टर दिखा दिया, किसका, a का, कैसे,
अरे भाई टू अगर ए को डिवाइड कर रहा है तो टू ए का फैक्टर ही तो है। अगर आप टू को बी का भी फैक्टर दिखा दें, अगर आप टू को ए का फैक्टर तो दिखा ही चुके हो, टू को अगर बी का भी फैक्टर दिखा दो तो टू जो होगा वो ए का भी फैक्टर हो जाएगा और बी का भी फैक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ए और बी दोनों ही किससे डिवाइड हो जाते हैं, टू से, यानी कि ए और बी को प्राइम नहीं रहेंगे। और ए और बी अगर को प्राइम नहीं रहेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपने दिखाया कि ए एन बी आर को प्राइम, ये बात गलत हो जाएगी। अब ये कहाँ से आई थी, ये यहाँ से आई थी कि एफ, ये यहाँ से आई थी क्या कि बल्कि यहाँ से नहीं तो कुछ नहीं छोड़ो, ये बात कहाँ से आई थी, यहाँ से आई थी कि रूट टू का आपने क्या माना था, आर अपॉन एस के फॉर्म में। भाई ऊपर से नीचे ही तो चल रहे हो, ये रिजल्ट क्यों आया था, क्योंकि आपने ऐसा माना था क्या कि वी कैन राइट रूट टू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, यानी कि सीधे शब्दों में अगर हम बोले तो आपने ये माना था क्या रूट टू इज रैशनल नंबर। अगर ये बात आप गलत प्रूव कर दो तो ये जहां से आया है वो स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। इसी को कॉन्ट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। मतलब अब हमारा टारगेट है कि टू को हम किसका कॉमन फैक्टर दिखा दें, बी का। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपने एक इक्वेशन बनाई होती है टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, इसको हमेशा वन मान लीजिए। तो आते हैं वापस, ए को अगर टू पूरी तरीके से डिवाइड करता है तो ए को जब टू डिवाइड करेगा तो एक इंटीजर आएगा। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। टू इधर चलाएगा तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, टू सी। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो इधर स्क्वायर करोगे टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, और c का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, फोर सी स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ गया, फोर सी स्क्वायर आ गया। अब ये जब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर सी स्क्वायर आ जाता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए जरा, इस a स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ ले आके रख सकते हो, टू बी, ये इक्वेशन नंबर वन में। या फिर आप एक काम कर सकते हो, यहाँ अगर आपको स्क्वायर नहीं करना है कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लो सिंपली, जैसा कि एनसीईआरटी में उन्होंने लिखा है क्या कि राइट ए इज इक्वल्स टू टू सी फॉर सम इंटीजर सी सब्स्टिट्यूटिंग ए विद वी गेट दिस। तो ए इज इक्वल्स टू टू सी यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन वन में, ध्यान से चेक करिएगा, टू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए की जगह आप क्या रखोगे, टू सी, लेकिन यहाँ अरे कर ही लो ना यार, क्या दिक्कत है, ए अगर टू सी है तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फोर सी स्क्वायर। तो इस ए स्क्वायर की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, फोर सी स्क्वायर, सही। अब देखिए टू इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड लगाएगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर अपॉन टू, ये टू उधर जाके डिवाइड लगा दिया, ठीक। तो दिस इम्प्लाइज जगह नहीं है, ध्यान से देखिएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर अपॉन टू, टू वन जो टू, टू टू जो फोर, तो आ जाएगा टू सी स्क्वायर, सही। अब ध्यान से चेक करिए, इस टू को वापस कहाँ भेज सकते हो, बी के नीचे। अब जगह नहीं है भाई यहाँ पर हमें करना तो है ही, इसको देखिए इस टू को बी स्क्वायर के नीचे भेज दीजिए, तो बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल्स टू क्या आ गया, सी स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए जरा, ध्यान से चेक करो, टू किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। टू एक प्राइम नंबर है और टू किसको डिवाइड कर रहा है, बी स्क्वायर को। क्या पढ़ाया गया था, पी अगर कोई प्राइम नंबर है और पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड करे, जरूरी नहीं ए स्क्वायर, वो बी स्क्वायर भी हो सकता है, यानी कि जो प्राइम नंबर पी है वो किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करे तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यानी कि आप ध्यान से देखिए, टू बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं सिंस टू डिवाइड्स बी स्क्वायर, चेक करो बी स्क्वायर को टू डिवाइड कर रहा है, क्या सबूत है, अरे भाई एक इंटीजर आ रहा है ना, पॉइंट में तो आ नहीं रहा, यानी कि टू पक्का बी स्क्वायर को पूरी तरीके से डिवाइड करता है। तो दिस इंप्लाइज टू डिवाइड्स बी, दिस इंप्लाइज टू ऑल्सो डिवाइड्स बी, इसका मतलब टू बी को भी डिवाइड करेगा। अगर टू बी को भी डिवाइड करेगा तो आपका क्या आ गया, दिस इंप्लाइज टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, आ गया। चेक करो, आपने यहां पर क्या दिखा दिया था, चेक करिए जरा कि टू विल श्योरली डिवाइड ए मीन्स टू इज द फैक्टर ऑफ ए, और यहाँ दिखा दिया आपने टू इज द फैक्टर ऑफ बी, इसका मतलब टू इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, यानी कि टू ए और बी का कॉमन फैक्टर है, यानी कि ए और बी को प्राइम नंबर नहीं है। अब आपने एनसीईआरटी बुक देखिए पेज नंबर 13 पे, ओके, उन्होंने नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, दिस मीन्स दैट टू डिवाइड्स बी स्क्वायर एंड सो टू ऑल्सो डिवाइड्स बी, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1.3। Therefore, A and B have at least two as a common factor. इसका मतलब A और B जो है वो कम से कम, A और B के कम से कम एक common factor है, और वो common factor कौन है, two. इसका मतलब A और B को प्राइम नहीं है, ध्यान से चेक करिए, इसका मतलब A और B को प्राइम नहीं है, यानी कि, और यहाँ पर क्या आ गया था रिजल्ट हमारा कि A और B क्या थे, को प्राइम थे। और ये आया क्यों था, क्योंकि आपने
ये माना था, इसका मतलब ये बात जब गलत हो गई कि ए और बी कोप्राइम नहीं है, समझ रहे हो ना, ए और बी कोप्राइम क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ए और बी के कॉमन फैक्टर आ गया, वन के अलावा टू आ गया, इसका मतलब ए को भी टू डिवाइड करता है, बी को भी टू डिवाइड करता है, तो अरे भाई कोप्राइम कौन थे यार, 5 और 11 कोप्राइम थे ना, 5 और 14 कोप्राइम थे ना, जिनको कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कोई भी नंबर ऐसा नहीं जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर दे, लेकिन ए और बी जो भी होंगे मुझे नहीं पता, बट इसका कॉमन फैक्टर आ गया कौन, 2 आ गया, इसका मतलब ए और बी कोप्राइम नहीं होते, ये बात तो आपकी गलत हो गई, और ये बात आई क्यों थी, यहां से आई थी, यानी कि ये अजम्पशन आपका क्या है, रॉन्ग है। तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है एनसीईआरटी में, नीचे आप यही लिखोगे, देखिए नीचे लिखा हुआ है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका मतलब क्या है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये इस बात का विरोध करता है, कौन, ये जो आ गया स्टेटमेंट कि 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ये इस बात का विरोध करता है, इस बात को अपोज करता है, क्या कि ए और बी क्या है, कोप्राइम है, ठीक, इसका मतलब क्या है, ये बात गलत हो गई, तो इसका मतलब ये बात भी गलत हो गई, ये लिखा हुआ है नीचे, देखिए कह रहा है दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन, कह रहा है कि ऐसा अपोजिशन कौन सा अपोजिशन, कि ए और बी क्या हो गए, कोप्राइम माना था आपने और वो कोप्राइम नहीं हुए, ऐसा अपोजिशन इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि हमने शुरू में क्या माना था, देखिए लिखा हुआ है द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट रूट टू इज रैशनल, सो वी कंक्लूड दैट रूट टू रैशनल, ओके सॉरी सो वी कंक्लूड दैट रूट टू इरेशनल, समझ में आ गई बात, आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और करके दिखाता हूँ और उसको अब मैं फटाफट करूँगा, पहले क्वेश्चन में आपको टाइम लगा था, अब आप समझ गए होंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको अब हम करते हैं, ये थोड़ा सा जल्दी फिनिश हो जाएगा हमारा, पहले क्वेश्चन में आपको टाइम देना ही पड़ेगा समझने के लिए, अगर नहीं समझ में आए वीडियो को रिवर्स मोड में ले आके शुरू से फिर से देखिए, समझोगे नहीं रटोगे तो एग्जाम में हो नहीं पाएगा, देखिए जैसे कि लिखा है इन्होंने रूट थ्री क्या है, रूट थ्री इज अ इरेशनल नंबर, अब देखिए रूट के अंदर एक प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर ही तो है, ये इरेशनल तो होगा पक्का, रूट के अंदर जब भी कोई प्राइम नंबर लिखा रहता है तो वो इरेशनल होता है, ओके तो ये इरेशनल तो होगा, लेकिन कहता है कि प्रूफ करो, आइए जरा थ्योरम 1.4 में जो रूट टू इज इरेशनल उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है उसी स्टेप्स में करते हैं, चलिए अब आप बताइए सबसे पहले हम क्या अज्यूम करेंगे, क्या लिखेंगे कॉपी में, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट, लिखेंगे फटाफट, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट रूट थ्री इज रैशनल नंबर, रूट थ्री इज रैशनल नंबर, ठीक है कोई दिक्कत है, रूट थ्री अगर बताइए रैशनल नंबर है तो क्या होगा, रूट थ्री को आप क्या लिख सकते हो बताइए, हम फटाफट करेंगे, रूट थ्री को आप क्या लिख सकते हो, आर अपॉन एस, वेयर एस इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ठीक, अब हम क्या सोचते हैं, लेट अस सपोज आर एंड एस हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेट आर एंड एस हैव कॉमन फैक्टर अदर देन, हालांकि एनसीईआरटी में उन्होंने शॉर्ट में किया लेकिन हम पूरा करेंगे, ठीक है अदर देन 1, मतलब अभी हम कंफ्यूज है कि R और S कोप्राइम नहीं है, तो इनको कोप्राइम बनाएंगे, कोप्राइम कैसे बनाएंगे, इसके कॉमन फैक्टर से डिवाइड लगाएंगे, सो वी विल डिवाइड मींस लेट F बी लेट F बी अ कॉमन फैक्टर ऑफ R एंड S, माना कि R और S के कॉमन फैक्टर कौन है, F है, तो रूट थ्री इज इक्वल्स टू, देखिए R को भी F से डिवाइड लगाया और S को भी F से डिवाइड लगाया, अब जब R को F से डिवाइड लगाओगे तो कोई नंबर A आएगा और S को F से डिवाइड लगाओगे तो कोई इंटीजर B आएगा, यानी कि अब आगे आपके पास क्या, रूट थ्री इज इक्वल्स टू ए बाय बी, वेयर हम लोग अब पक्का हो गए ना, क्योंकि चेक करो ना R और S के कॉमन फैक्टर से तो डिवाइड लगा दिया, यानी कि जो भी रिजल्ट आया है वो आपस में क्या है, कोप्राइम है, यानी कि A एंड B आर कोप्राइम, यहीं पर बस कैच है, ठीक है A और B कोप्राइम है, ऐसा आपका आ गया, क्यों आया, क्योंकि आपने क्या माना था, क्या माना था आपने, ये माना था आपने कि रूट थ्री एक रैशनल नंबर है,
तो अगर आप किसी तरीके से ये दिखा दो कि ए और बी को प्राइम नहीं है, अगर ये आ जाए तो ये अजम्पशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, तो इसका मतलब रूट थ्री क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये अजम्पशन आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्या कि रूट थ्री क्या है, रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, बी इंटू रूट थ्री इज इक्वल्स टू ए, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। देखो ये इधर भी स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर बी को मिलेगा बी स्क्वायर, और रूट थ्री को मिलेगा थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है थ्री, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो गया थ्री बी स्क्वायर। अब ये थ्री को उधर भेज दो, पहले ए की बारी आएगी फिर बी की बारी आएगी, मतलब पहले ए का कॉमन फैक्टर, पहले ए का फैक्टर कौन होगा थ्री, फिर बी का फैक्टर कौन होगा थ्री, यानी कि ए और बी का फैक्टर कौन हो जाएगा थ्री, यानी कि ए और बी को प्राइम रहेंगे नहीं, हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से चेक करिए जरा, इस थ्री को उधर भेज दो, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय थ्री। अब देखिए जरा ध्यान से, ए स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है थ्री, क्या सबूत है, क्योंकि भाई एक इंटीजर आ रहा है ना यहाँ पर, इसका मतलब ए स्क्वायर को थ्री पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, दिस इंप्लाइज थ्री डिवाइड्स ए स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करो, थ्री ए स्क्वायर को डिवाइड करता है और थ्री प्राइम नंबर है, तो थ्योरम 1.3 से कोई प्राइम नंबर अगर पी है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर पी ए को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब थ्री डिवाइड्स ए, ठीक है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है, थ्री ए को डिवाइड करता है, मतलब थ्री ए का क्या है फैक्टर है, अगर हम थ्री को बी का भी फैक्टर दिखा दे तो ए और बी का कॉमन फैक्टर थ्री आ जाएगा, और ए और बी को प्राइम नहीं रहेंगे, ओके। तो चलिए थ्री डिवाइड से, अब क्या होगा, थ्री ए को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज कि ए अपॉन थ्री, अगर हम करें भाई पक्का हो गया ना थ्योरम 1.3 से कि ए को थ्री पूरी तरीके से क्या करता है डिवाइड करता है, इसका मतलब ए बाय थ्री क्या आएगा, एक क्या आएगा, एक इंटीजर, लेट अस से वो इंटीजर क्या है सी, आपको लिखना पड़ेगा वेयर सी इज सम, वेयर वेयर सी इज सम इंटीजर, सही है। अब क्या करेंगे, यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए, ए इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा थ्री सी, ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्क्वायर करिए, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन, और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, सही है। अब यहाँ पर जो आप करते हो थ्री बी स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन बनता है स्क्वायर करके, इसको आप वन बना लिया करिए, नाउ पुट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन सी, लिखेंगे पुट ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन सी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर वन, इसको वन में पुट कर दीजिए, तो ध्यान से चेक करिए क्या बनेगा आपके पास, थ्री बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा नाइन सी स्क्वायर, सही है। अब ये थ्री मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू नाइन सी स्क्वायर बाय थ्री, थ्री वन जा थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थ्री सी स्क्वायर, ओके। अब थ्री को बी के स्क्वायर के नीचे भेज दीजिए, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पर जगह है यहाँ पे कर रहा हूँ, तो बी स्क्वायर ये थ्री कहाँ आ जाएगा नीचे, तो बी स्क्वायर बाय थ्री इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब ध्यान से चेक करिए, देखिए बी स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है थ्री, क्यों, क्योंकि भाई एक इंटीजर आ रहा है ना, पॉइंट में तो आ नहीं रहा कुछ, इसका मतलब दिस इंप्लाइज व्हाट थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर। तो फ्रॉम थ्योरम 1.3 अगर कोई प्राइम नंबर पी है वो किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब थ्री डिवाइड्स बी, थ्री डिवाइड्स बी। अब यहां से देखो जो मैंने बॉक्स में बंद किए दो बातें, ये और ये, थ्री डिवाइड्स से थ्री डिवाइड्स बी मीन्स थ्री इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब क्या है, देयरफोर देयरफोर थ्री इज द कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, थ्री क्या है ए और बी का कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या है ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, ए और बी आर नॉन को प्राइम, वो को प्राइम नहीं है, मीन्स आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। और जो भी लैंग्वेज लिखी है एनसीईआरटी में आप लिख सकते हैं, देखिए लिखा है ए एंड बी हैव एटलीस्ट थ्री एज अ कॉमन फैक्टर, ए और बी के कम से कम थ्री, कम से कम एक कॉमन फैक्टर है, और वो कौन है थ्री है, इसके नीचे आप लिख सकते हो हैंस ए एंड बी आर नॉट को प्राइम, और लिखा हुआ है दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम, यानी कि ये इस बात का विरोध करता है, इस बात को अपोज करता है कि ए और बी क्या है को प्राइम है। फिर नीचे क्या लिखा है दिस कॉन्ट्रडिक्स हैज अराइजन, मतलब ये अपोजिशन इसलिए पैदा हुआ है, क्यों पैदा हुआ है ये अपोजिशन, क्योंकि हमने क्या माना था, एक अजम्पशन माना था कि रूट थ्री क्या है रैशनल नंबर है, इसका मतलब रूट थ्री रैशनल नंबर नहीं, हमारा अजम्पशन क्या है रॉन्ग है। तो लास्ट वाली लाइन आप लिख लीजिएगा एनसीईआरटी से, थोड़ा सा इसमें थ्योरी आपको
लिखना होता है उसका ध्यान रखिएगा। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन बस इसमें और करा देता हूँ ताकि आप परफेक्ट हो जाओ। अब मैं लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखूंगा, अब मैं सीधे प्रूफ करूंगा, ठीक है। देखिए जरा, देखिए जैसे मान लीजिए कि उन्होंने बोला है रूट फाइव क्या है, रूट फाइव इज इरेशनल, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, देखिए सबसे पहले लेट अस अज्यूम रूट, अजम्पशन किया रूट फाइव इज रैशनल नंबर, ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक। लैंग्वेज आप लिखोगे जैसे एनसीईआरटी में लिखी, यानी कि रूट फाइव इज इक्वल्स टू व्हाट, आर अपॉन एस, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे, आर और एस क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। आर और एस को आप, आर और एस को प्राइम तो नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड लगाओगे, ठीक है। तो रूट फाइव इज इक्वल्स टू, सपोज आर का कॉमन फैक्टर एफ है और एस का भी कॉमन फैक्टर एफ है, ठीक है। तो रूट फाइव इज इक्वल्स टू आर के कॉमन फैक्टर और एस के कॉमन फैक्टर जो था, सपोज एफ था, एफ से डिवाइड लगाया तो कोई दो नंबर आएंगे, ए और बी, कोई इंटीजर आएंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओगे, यहाँ पे लिखेंगे ए एंड बी आर वॉट, ए एंड बी आर को प्राइम, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, बी इधर चलेगा, बी रूट फाइव इज इक्वल्स टू ए, ए का स्क्वायर बोथ साइड स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, यहाँ रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। फाइव इधर चला जाएगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय फाइव। अब देखिए ए स्क्वायर बाय फाइव यानी कि ए स्क्वायर को बी, सॉरी ए स्क्वायर को फाइव क्या कर रहा है, डिवाइड, क्यों, क्योंकि एक इंटीजर आ रहा है, बी स्क्वायर क्या है, एक इंटीजर। दिस इंप्लाइज फाइव डिवाइड्स, फाइव एक प्राइम नंबर है जो कि किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज फाइव डिवाइड्स ए, फाइव ए को भी डिवाइड करेगा, फाइव ए को डिवाइड करेगा तो ए अपॉन फाइव क्या आएगा, एक इंटीजर। लेट अस से वो इंटीजर कौन है, सी, आप आगे लिख सकते हो वेयर सी इज सम इंटीजर, नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ए इज इक्वल्स टू फाइव सी, नाउ स्क्वायरिंग अगेन, और इस इक्वेशन को आप क्या बना लेते हो हमेशा, वन, स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर। नाउ इसको पुट करोगे किस में, इक्वेशन नंबर वन में, ये जो सेकेंड इक्वेशन में आंसर आया है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर, इसको पुट करिए इक्वेशन नंबर वन में। तो वन इक्वेशन क्या थी, चेक करिए, फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह आप क्या पुट करोगे, ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर, ट्वेंटी फाइव सी स्क्वायर, ये फाइव उधर भेज दोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव बाय फाइव सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा फाइव फाइव से ट्वेंटी फाइव, ओके। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू फाइव सी स्क्वायर, अब इस फाइव को बी स्क्वायर के नीचे भेजोगे, बी स्क्वायर अपॉन फाइव इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या पता चलता है आपको, फाइव किसको डिवाइड करता है, बी स्क्वायर को, दिस इंप्लाइज फाइव डिवाइड्स बी स्क्वायर, तो फाइव एक प्राइम नंबर है पी जो कि किसको डिवाइड करता है, बी स्क्वायर को, मतलब कोई प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी करेगा, यानी कि फाइव डिवाइड्स व्हाट, फाइव डिवाइड्स पी। तो ये जो बात आई है और ये जो बात आई है, फाइव ए को भी डिवाइड करता है और फाइव बी को भी डिवाइड करता है, यानी कि ए एंड बी हैव द कॉमन फैक्टर फाइव अदर देन वन, वन के अलावा ए और बी के कॉमन फैक्टर कौन है, फाइव है, यानी कि ए और बी को प्राइम नहीं है। तो हमारा अजम्पशन क्या है, रॉन्ग है, इसका मतलब रूट फाइव रैशनल नंबर, ये जो अजम्पशन है ये रॉन्ग है, इसका मतलब रूट फाइव क्या है, इरेशनल नंबर है। समझ में आई बात, ओके। अब देखिए पेज नंबर 13 पे आपको नीचे दो पॉइंट लिखे हुए हैं, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल, यानी कि जैसे 2 एक रैशनल नंबर है और रूट 2 क्या है, इरेशनल, या 27 ये क्या है, एक रैशनल नंबर है और ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो याद रखिएगा परेशान, ठीक है, 27 क्या है, रैशनल नंबर है और रूट 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम क्या आता है, एक इरेशनल नंबर है, ओके। ये आपको याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए मैंने बोल दिया 51 प्लस रूट 11, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा इरेशनल नंबर, यानी कि याद रखना है आपको
रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का सम हमेशा क्या होता है? इरैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर है 51, क्यों? क्योंकि 51 को आप क्या लिख सकते हो, 51 अपॉन 1, इसको p बाय q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। और रूट 11 तो इरैशनल नंबर है, इसको आप प्रूफ कर सकते हो, क्यों? क्योंकि रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक प्राइम नंबर। रूट के अंदर जब भी प्राइम नंबर होता है वो इरैशनल होता है। तो रैशनल प्लस इरैशनल क्या होता है? इरैशनल होता है। ये लिखा हुआ है, इसको आपको याद रखना है। अब जरूरी नहीं कि यहाँ प्लस हो यहाँ माइनस हो सकता है, यानी कि रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस भी हो सकता है, रैशनल और इरैशनल का डिफरेंस भी हो सकता है। अब इसके जगह ऐसा भी हो सकता है रूट 2 माइनस 27, ये पहले आ जाए ये बाद में, यानी कि आपको बस डिफरेंस चेक करना है किसका, रैशनल और इरैशनल का, वो हमेशा क्या होगा, इरैशनल, ये आपको याद करना है। उसके बाद देखिए नीचे लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट एंड कोशेंट, द प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज इरैशनल, यानी कि आपको प्रोडक्ट लेना है किसका, द प्रोडक्ट ऑफ अ, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड इरैशनल, ठीक है, नॉन जीरो रैशनल लेना है, कोई नॉन जीरो मतलब जो जीरो ना हो भाई, ठीक है। तो नॉन जीरो कोई रैशनल नंबर लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 8 मैंने ले लिया, इसका प्रोडक्ट लगाना है किसके साथ, इरैशनल के साथ। तो जवाब आएगा ए रूट टू, यानी कि ये था आपका क्या, रैशनल नंबर, और ये क्या था आपका, इरैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इनटू इरैशनल नंबर हमेशा क्या होता है, जो भी रिजल्ट आएगा वो होगा इरैशनल नंबर, याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यानी कि समझिए जरा, रूट टू एक इरैशनल है, अगर मैं इसको डिवाइड लगाऊं किससे, रैशनल नंबर से, तो याद रखिएगा इरैशनल नंबर डिवाइडेड बाय क्वेश्चन का मतलब ये होता है, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू, हमेशा क्या आएगा ये, इरैशनल नंबर, या उल्टा कर सकते हो आप, 8 बाय रूट टू, यानी कि यहाँ पर क्या है, ये रैशनल नंबर है, और डिवाइडेड बाय इरैशनल नंबर, ये भी हमेशा क्या आएगा, इरैशनल नंबर। तो ये दोनों चीज़ें हमको पढ़ाने चाहते थे, अब इसी को हमको प्रूफ करना है। देखिए जरा एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए एनसीईआरटी में पेज नंबर 14 पे, ओके देखिए उन्होंने क्या बोला है, शो दैट 5 माइनस रूट थ्री इज व्हाट, इज इरैशनल। अब हमको इसको इरैशनल प्रूफ करना है, ठीक है, इसको हमको अगर इरैशनल प्रूफ करना है तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम देखें तो अभी अभी हमने प्रूफ किया था, अगर आपको याद हो, कि रूट टू क्या, रूट थ्री क्या होता है, इरैशनल नंबर होता है, और इस रिजल्ट को आप लर्न कर सकते हो। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको मिले, रैशनल का डिफरेंस या सम मिले इरैशनल के साथ, ठीक है, तो आप रूट थ्री को इरैशनल मान के चल सकते हो, क्योंकि ये हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या प्रूफ करना है, कि 5 माइनस रूट थ्री जो कि क्या है, इरैशनल, पता तो है हमको कि ये इरैशनल, लेकिन हमको ये प्रूफ करना था, ठीक, प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला स्टेप तो वही है, क्या, वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी, मतलब वही सब पुरानी बात है क्या, कि 5 माइनस रूट थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, ए एंड बी। यहाँ अब आप आर अपॉन एस मत करिए, आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई बात नहीं, आपको पता है भाई कि इसको पहले क्या मानना पड़ता है, इसको पहले आर अपॉन एस के फॉर्म में मानना पड़ता है, आर और एस का कॉमन फैक्टर एफ से हम इसको डिवाइड लगाते हैं, है ना, तब हमको ए और बी मिलता, जो कि ए और बी को प्राइम है। बट इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे एनसीईआरटी में किया हुआ है। देखिए इन्होंने पहले स्टेप में क्या लिखा हुआ है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 5 माइनस रूट 3 रैशनल, पहले वो तो अज्यूम कर लोगे, है ना, क्या अज्यूम करोगे, अजम्पशन क्या होगा, कि 5 माइनस रूट 3 इज व्हाट, रैशनल नंबर, ये आपने अज्यूम कर लिया। अगर ये एक रैशनल नंबर है तो इसको कौन से फॉर्म में लिखा जा सकता है, ए अपॉन बी के फॉर्म में, जहां पर ए और बी क्या है, को प्राइम है, और बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। तो 5 माइनस रूट 3 को क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में, और जहां पर बी इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एंड ए एंड बी आर व्हाट, को प्राइम, ए और बी क्या है, को प्राइम है। तो ये आपको लिखना है। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या किया हुआ इन्होंने, आपको भी करना है, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चंस में सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे, देखो ए अपॉन, देखो बस आपको ध्यान रखना है, जिसके ऊपर रूट लगा उसको एकदम अलग कर लो, क्या मैंने बोला, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसको एकदम अलग कर लो, मतलब समझो जरा, इसके ऊपर रूट लिखा हुआ है तो इसको उधर ले जाओ और ए अपॉन बी को इधर ले आओ, ठीक है, ध्यान से चेक करो, 5। अब देखो ए अपॉन बी के आगे साइन कैसा है, प्लस, भाई कुछ नहीं लगाए तो प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस, इज इक्वल्स टू रूट थ्री इधर जाएगा तो क्या हो गया, पॉजिटिव। कोई डाउट है, चेक करो, क्या कि ए अपॉन बी को इधर लाए नेगेटिव हो गया, और रूट थ्री को उधर ले गए पॉजिटिव हो गया, ठीक। अब इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम तो आता है ना, सब बच्चों को एलसीएम लेना, क्या करेंगे, 5 के नीचे 1 लेंगे, माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू 5 के नीचे 5.1, ऐसा भी लिख सकते हो, 1 और बी का एलसीएम कितना आएगा, बी आएगा, या सिंपल शब्दों में देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया करिए, इसको इससे, बस 5 into b 5b माइनस a into 1 a, और नीचे b into 1, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो,
इसको इससे कर दो, इसको इससे कर दो, बस इज इक्वल्स टू रूट थ्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात देखिए जरा, यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, अपोजिशन आ गया, मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, अपोजिशन आ गया। कैसे? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, इस बात को आप प्रूव कर चुके हो, तो इसको आपने लर्न कर लिया है, और ये जो लर्न कर लिया है इसको आप यहाँ यूज कर सकते हो। अब ध्यान से चेक करो जरा, क्या कि राइट हैंड साइड में तो रूट थ्री आ गया है, और हम जानते हैं रूट थ्री क्या है, रूट थ्री क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, इरेशनल नंबर है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, रैशनल नंबर है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि भाई ये कैसे रैशनल है, अरे यार इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसलिए ये रैशनल नंबर है। कैसे? अरे ए और बी की कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी, यहाँ पे डाल दो। मान लो थोड़ी देर में मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ, मान लीजिए कि ए टू था और बी क्या था, सेवन था, मान लीजिए बेवजह, मान लीजिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू जरा निकालो, फाइव इंटू बी यानी फाइव सेवन जा 35 माइनस ए, ए कितना है 2 अपॉन बी कितना है 7, ये बस मैंने माना है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये मैं निकाल रहा हूँ 5b माइनस ए अपॉन बी, 35 माइनस 2 33 बाय 7। तो देखो ये क्या आ गया, p अपॉन q के फॉर्म में, यानी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है पक्का। अरे यार सीधी सी बात है, ए और बी कोई इंटीजर थे ना, तो 5b माइनस ए अपॉन बी, इसको अगर किसी भी इंटीजर के लिए सॉल्व किया जाएगा, मैंने तो ए का वैल्यू 2 लिया, बी का वैल्यू 7 लिया, आप ए का कुछ भी ले लो, बी का कुछ भी वैल्यू ले लो, कोई भी इंटीजर ले लो, ये जो पूरा फंक्शन है ये हमेशा कैसा आएगा, रैशनल नंबर आएगा, यानी कि हमेशा कैसा आएगा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आएगा, जहां पर क्यू जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये पड़ गया रैशनल, ये पड़ गया इरेशनल। मैथ्स में ऐसा होता है कभी बताइए कि कोई इरेशनल नंबर किसके इक्वल आ जाए, रैशनल नंबर के? तो ऐसा मैथ्स में कभी नहीं होता है, तो एक फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट है भाई। इरेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, इरेशनल रैशनल के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी कि ये जो रिजल्ट आ गया ये तो कॉन्ट्रडिक्शन पैदा हो गया, एक विरोधाभास स्थिति, एक अपोजिशन पैदा हो गया। और ऐसा अपोजिशन क्यों पैदा हुआ? तो जवाब है, इसलिए पैदा हुआ क्योंकि आपने ये अजम्पशन करी थी, ये वाली कि 5 - √3 इज रैशनल नंबर, यानी कि हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था। तो 5 - √3 रैशनल नहीं था बल्कि क्या था, इरेशनल था। एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज लिखे आप वही लिखोगे। देखिए इन्होंने क्या लिखा है, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, मैंने वही बोला आपको क्या कि ए और बी क्या है, कोई इंटीजर है, तो ये पूरा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। चेक करो जरा, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स वी गेट 5 - a / b, वी गेट 5 - a / b, दिस पार्ट इज व्हाट, रैशनल। एंड सो रूट थ्री रैशनल, मतलब वो कहना चाहते हैं कि ये अगर रैशनल है तो इसका मतलब ये भी रैशनल होना चाहिए, भाई रैशनल ही तो रैशनल के इक्वल होता है, लेकिन हमको पता है कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। देखिए लिखा है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्स द फैक्ट दैट रूट थ्री इरेशनल, इस बात का मतलब समझिए जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्या कि 5 - a / b इज रैशनल, ये तो रैशनल होता है, इसका मतलब आगे लिखा है सो रूट थ्री रैशनल, इसका मतलब रूट थ्री रैशनल होना चाहिए, लेकिन रूट थ्री रैशनल हो जाए तो इस बात का नीचे जो लिखा हुआ है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट रूट थ्री इज इरेशनल। ओके, रूट थ्री अगर रैशनल हो जाएगा तो ये इस बात का पोजीशन हो जाएगा कि रूट थ्री क्या है, इरेशनल है। हमको तो पता है ना रूट थ्री एक इरेशनल नंबर, इसको तो हम प्रूव भी कर चुके हैं। ओके, तो इसीलिए फाइनली लिखा हुआ है द कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग या आर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट 5 - √3 इज रैशनल, मीन्स आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, तो 5 - √3 एक क्या है, इरेशनल नंबर ही है। आइए एक और सवाल आपको करके दिखाते हैं, ठीक है, और फिर हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3। देखिए अभी हमने किसका क्वेश्चन पढ़ा है, हमने अभी डिफरेंस का पढ़ा था, 5 - √3, ऐसी तरीके से 5 + √3 भी आ जाता तो हम कर लेते हैं। ओके, अब हम प्रोडक्ट का पढ़ेंगे, जैसे कि 3√2। ओके, एग्जांपल नंबर 11, 3√2 क्या है, 3√2 इज इरेशनल, इसको हमें प्रूफ करना है। हमें पता तो है ही कि एक इरेशनल है, क्यों, क्योंकि 3 क्या है, रैशनल नंबर है, और रूट टू क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल ही होता है, हमने पढ़ा है, लेकिन कह रहा है कि प्रूफ करो। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 3√2 को हमने क्या अज्यूम कर लिया, लेट 3√2 इज व्हाट, इज अ रैशनल नंबर, इज रैशनल, ये क्या है, सपोज रैशनल।
अगर ये रैशनल है तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हो a अपॉन b के फॉर्म में, यानी कि 3√2 इज इक्वल्स टू a बाय b, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड जो डिनोमिनेटर है b इज नॉट इक्वल्स टू 0. ओके, अब मैंने क्या बोला था पिछले क्वेश्चन में, जिसके ऊपर रूट टू उसको अकेला लिखो, बाकी सबको एक तरफ भेज दो. मतलब यहां पर क्या करोगे, ध्यान से चेक करो, रूट टू इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि a अपॉन 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, यानी कि 3 अपॉन b. अब ध्यान से चेक करो, a और b क्या थे, इंटीजर थे. कोई भी आप इंटीजर ले लो, a अपॉन 3 b हमेशा क्या आएगा, एक हमेशा क्या आएगा, एक रैशनल, और रूट टू क्या है, एक इरेशनल. यहाँ पे आप इफ रिजल्ट का यूज करोगे जो हमने प्रूव नहीं किया था थ्योरम 1.4 में कि रूट टू क्या है, इरेशनल. वी ऑलरेडी नो दैट रूट टू इज इरेशनल, ये तो हमको पहले से ही क्या है, पता है. तो ये पार्ट क्या हो गया, ये पार्ट हो गया आपका इरेशनल, और ये क्या हो गया, रैशनल. ऐसा मैथ्स में पॉसिबल नहीं है. आप लिखोगे जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़िए, कह रहा है सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, सो a अपॉन थ्री बी इज रैशनल. अगर ये रैशनल है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, रैशनल. ये लिखा गया, सो रूट टू इज रैशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट रूट टू इज इरेशनल. अगर रूट टू रैशनल हो जाएगा तो इस बात का अपोज करेगा कि रूट टू क्या है, इरेशनल है. इसका मतलब आर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट. तो आर अजम्पशन वॉज इनकरेक्ट, तो इसका मतलब कि ये हमारी अजम्पशन थी कि रूट 3√2 इज रैशनल, इसका मतलब 3√2 क्या है, इरेशनल नंबर है. समझ में आई बात? ओके, आइए फटाफट एक्सरसाइज 1.3 भी यहीं पे हम निपटा लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस. ठीक है, लैंग्वेज जैसे एनसीईआरटी एग्जांपल्स में लिखी हुई है वैसे ही आप लिखेंगे. जैसे कि 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. ये मैं अभी भी करवा चुका हूँ तो आप कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको प्रूव करना है 3+2√5 इज इरेशनल. तो सबसे पहला स्टेप मैं इसको अज्यूम करूंगा, लेट अस अज्यूम. आप अपनी कॉपी में लिख लोगे जैसा कि एग्जांपल्स में लैंग्वेज लिखी है वैसे ही लिखो, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्रारी दैट 3+2√5 इज रैशनल. ये क्या है, रैशनल है. अगर ये रैशनल है तो हमको इसको कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन b के फॉर्म में, वेयर a एंड b आर सम इंटीजर एंड ऑल्सो a एंड b आर को प्राइम. ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब मैंने आपको क्या बोला था, मैंने बोला था जो भी रूट में लिखा हुआ है उसको आप अकेला लिख लो, बाकी सबको उधर भेज दो. कैसे भेजेंगे, एक एक स्टेप करके भेजेंगे. सबसे पहले जो सम में उसको उधर भेजो, 3 ऐड उधर भेजोगे तो माइनस हो जाएगा. देखिए 2√5 इज इक्वल्स टू a अपॉन b, 3 उधर जाएगा तो माइनस हो गया. कोई दिक्कत? अब उधर आप एलसीएम निकाल लीजिए. ए देखिए एलसीएम कैसे निकालोगे, यहाँ 1 b और 1 का एलसीएम आ जाएगा. b इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, a 1 जा a माइनस b इंटू 3 3b. ठीक, अब क्या करोगे आप, यहाँ 2 लगा हुआ है, नेक्स्ट स्टेप में ये 2 मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे डिवाइड हो जाएगा, तो रूट 5 इज इक्वल्स टू a माइनस 3b अपॉन 2b. अब चेक कर लीजिए, अब हम क्या लिखेंगे लैंग्वेज, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, चेक करो a और b क्या है, इंटीजर है. a और b की कोई भी वैल्यू रखोगे तो ये क्या आएगा, एक रैशनल नंबर. तो दिस इम्प्लाइज इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हो, क्योंकि इस पर कमेंट करना है ना, क्या कमेंट करना है, कि ये रैशनल है और ये क्या है, इसकी वजह से इसको भी रैशनल होना पड़ेगा. बट हमको पता है कि ये इरेशनल है, इसका मतलब ये फॉल्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या था, गलत था. a एंड b आर इंटीजर, सो a माइनस 3b अपॉन b इज रैशनल. सो रूट 5 इज ऑल्सो रैशनल. रूट 5 भी क्या है, रैशनल. भाई अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या है, रैशनल है. लेकिन ये बात गलत है, हम आगे लिखेंगे दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स ये इस बात का अपोज करता है. दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स मतलब अपोज करता है, इस बात का अपोज करता है कि रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. भाई अगर रूट 5 तुमने रैशनल दिखा दिया तो इसका मतलब रूट 5 एक इरेशनल नंबर, इस बात का क्या कर रहे हो तुम, अपोज कर रहे हो. यही तो मैं लिख रहा हूँ कि रूट 5 क्या है, रैशनल है. क्यों, क्योंकि ये रैशनल था, तो इस बात का अपोज हो गया किसका, कि रूट 5 एक इरेशनल है. वही मैंने लिखा, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स दैट रूट 5 इज इरेशनल.
ठीक है, वी नो दैट रूट फाइव इज सॉरी रूट फाइव इज इरेशनल, वी श्योरली नो. तो इसका मतलब अब लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग. सो हमारा अजम्पशन क्या था, 3 + 2√5 इज रैशनल, हमारा अजम्पशन रॉन्ग था. इसका मतलब 3 + 2√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. ओके तो क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 upon √2, ये हमको क्या प्रूफ करना है, इज इरेशनल. इसको क्या प्रूफ करना है, इरेशनल, ठीक है ना. अब ध्यान से चेक करो, ऊपर क्या है, 1 क्या है, एक रैशनल नंबर है, और रूट 2 क्या है, इरेशनल. तो देखिए ऊपर है आपके पास यहाँ न्यूमरेटर में रैशनल नंबर, और नीचे क्या है, इरेशनल नंबर. और आपको पता है क्या, रैशनल अपॉन इरेशनल क्या आता है, इरेशनल. तो ये है तो ये इरेशनल, हमको पता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना. तो चलिए प्रूफ करते हैं. कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले 1 upon √2 को क्या मान लेंगे, a upon b, ठीक है. अब मैंने क्या बोला था, जिसके ऊपर रूट है उसको फ्री कर दो. तो कैसे फ्री करोगे, देखिए टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, इसको फ्लिप कर दो, इधर भी रेसिप्रोकल कर दो इधर भी, तो √2/1 हो जाएगा इधर, और इधर क्या हो जाएगा, b/a, सही है. अब √2/1 तो हमेशा क्या होगा, √2, तो √2 क्या आ गया, b/a आ गया. अब देखो b क्या था, एक इंटीजर, a भी क्या था, एक इंटीजर, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया रैशनल नंबर. तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, कॉपी में आप लिख भी सकते हो, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, हेंस b/a इज रैशनल, सो √2 इज, दिस शोज दैट √2 इज ऑल्सो रैशनल, दिस भाई ये रैशनल है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, रैशनल है. सो दिस शोज दैट √2 इज ऑल्सो रैशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट √2 इज इरेशनल. लेकिन ये इस बात का अपोज करता है कि √2 इरेशनल है, क्योंकि समझे ना यार, अगर ये रैशनल आ गया, और तुमने तो पहले ही प्रूफ किया कि √2 क्या है, एक इरेशनल है, इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था. सो आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हेंस 1/√2 इज इरेशनल. इसी तरीके से 7√5 को इरेशनल करना है, तो सबसे पहले इसको a/b के इक्वल करोगे, फिर क्या करोगे, 7 को उधर भेज दोगे, तो √5 इज इक्वल्स टू a/b, और यहाँ आ जाएगा 7. a और b क्या है, इंटीजर है, तो ये पूरा क्या होगा, रैशनल. तो दिस इंप्लाइज √5 भी क्या होगा, रैशनल, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट दैट √5 इज इरेशनल. ये इस बात का अपोज करता है कि √5 क्या है, एक इरेशनल है, और हमें पता है √5 क्या है, एक इरेशनल है. इसका मतलब हमारा अजम्पशन क्या था, रॉन्ग था. इसका मतलब 7√5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है. इसी तरीके से देखिए 6 + √2, लास्ट क्वेश्चन, 6 + √2 को हमको क्या दिखाना है, इस इरेशनल दिखाना है इसको. तो लेट अस अज्यूम कि 6 + √2 इज रैशनल. इसको हमने अज्यूम किया कि इरेशनल है, इसका मतलब 6 + √2 इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, a/b लिख सकते हो. मैंने क्या बोला था, जिसके ऊपर रूट है उसको अकेला करना है, तो √2 इज इक्वल्स टू a/b, और 6 इधर ऐड है उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है. तो √2 इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1, तो नीचे आ जाएगा b, और ये आ जाएगा a माइनस 6 × b. अब हम क्या लिखेंगे, लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, आर इंटीजर्स, हेंस a - 6b upon b इज रैशनल. ये पोर्शन क्या हो जाएगा, रैशनल. सो इट शोज √2 इज ऑल्सो रैशनल. बट ये बात तो गलत है भाई, अगर ये रैशनल है इसका मतलब RHS अगर रैशनल है तो LHS भी क्या होना चाहिए, रैशनल. इट शोज √2 इज रैशनल, दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स ये इस बात का अपोज करता है किसका, कि √2 इज इरेशनल, और हमें पता है √2 क्या है, इरेशनल. सो लास्ट में लिखिए, आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, हेंस 6 + √2 इज नॉट अ रैशनल, इट इज इरेशनल नंबर. तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.3 फिनिश करी है. जो भी 10th क्लास के बच्चे देख रहे हैं, जिनके भाई बहन 9th क्लास में हैं, तो मेरे चैनल पे लगभग 1600 वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट में चैप्टर वाइज हैं, और साइंस का सिलेबस पूरा अपलोड हो चुका है. विजिट करिए और अपना सिलेबस टाइम से करिए. ओके, ऑल द बेस्ट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए. थैंक यू.